उस टाइम पर मम्मी पापा और मेरे शादीशुदा हूँ तो मेरे बीवी बच्चे भी हैं, तो वो बेचारे बहुत मिस करते थे। एक एक साल बाद आता हूँ तो, और वहाँ से कभी कभी तो हमारी बातचीत भी नहीं हो पाती थी। तो मेरे को ये लगा सर, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि यार जीवन में राम आप सिर्फ पैसे कमाते रह जाओगे, लेकिन जीवन का अपना भी तो सुख होता है ना। बिल्कुल, है ना, अपने फैमिली के साथ घूम रहे हैं। और अब मैंने फिर क्या हुआ कि जब मैं यूट्यूब में आ गया तो ये काम मेरा यूट्यूब से हो गया, क्योंकि जो घर की ज़रूरतें थी वो मैं। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। जिस प्रकार से हमारा जो खास कार्यक्रम होता है कि हम किसी न किसी खास कार्यक्रम में और खास शख्सियत से रूबरू करवाते हैं, इसमें उत्तर प्रदेश के राम चौधरी मौजूद हमारे साथ। सबसे पहले तो राम चौधरी जी, आपका ग्राउंड मीडिया में स्वागत है जी। थैंक यू सो मच। कैसे हो सर, ठीक हो? सर मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बढ़िया सर। और दर्शकों को हम परिचय करवाना चाहेंगे राम चौधरी का। भाई साहब एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं और एक शिक्षक भी हैं, सभी को बताना चाहेंगे। एक शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छी पहल की है इन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से। कहते हैं ना कि आज सोशल मीडिया कुछ ज़्यादा ही प्रचार प्रसार करिए, कहते हैं कि उसको सही दिशा में यदि ले जाया जाए तो वही सोशल मीडिया एक राष्ट्र का निर्माण करने में अपनी अहम भूमिका अदा करती है। उसको लेकर के रिएक्शन पब्लिक के नाम से भाई का यूट्यूब चैनल भी है, हमारे बड़े भाई हैं, जानते हैं हम इनसे इनका सफ़र कैसे तय हुआ। इनके बारे में सबसे पहले मैं एक जानकारी देना चाहूँगा कि मर्चेंट नेवी की नौकरी करते थे भाई, लगभग 1.5 लाख रुपये सैलरी होती थी पर मंथ की इनकी। इन्होंने वो भी छोड़ करके समाज कल्याण के लिए, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में एक अनोखी पहल करने के लिए ये कदम उठाया। तो कहाँ से आपने राम जी आपका सफ़र तय किया, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे हम। सर सबसे पहले मैं नेवी की नौकरी करता था जी, मर्चेंट नेवी जी। तो बेसिकली मेरा जो नौकरी रहता था वो फॉरेन कंट्रीज़ में रहता था जी। और जब मैं वहाँ से आया तो उसके दरमियान मेरे दोस्त ने यूट्यूब के लिए मुझे सजेस्ट किया जी जी कि, और उसके दरमियान मैं बच्चों को पढ़ाने का काफ़ी एक्साइटमेंट रहता था। जब भी मैं अपनी छुट्टी आता था 6 महीने के लिए, 7 महीने के लिए, तो उसके टाइम पर मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। तो मेरे दोस्त ने कहा कि राम आप क्यों ना यूट्यूब का एक मैं चैनल जो है खोल लेते हैं और वहाँ बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, आप अपने शिप पर जाकर के भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो मैंने कहा यार इससे अच्छा क्या है, बच्चों को ही तो पढ़ाना है जी। तो मैं घर पढ़ा हूँ, अगर मैं छुट्टी पर अपने ट्रेनिंग ड्यूटी पर चले जाऊँगा तो मैं वहाँ पर भी बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। बिल्कुल। तो फिर मैं सर ड्यूटी पर भी मैं बच्चों को वहाँ से भी वीडियो अपलोड कर देता था। हमारी शिप का वाईफाई कनेक्शन होता था और वहाँ से हम अपनी वीडियो को सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी यूट्यूब चैनल, जो मैं स्पेशली एयरफोर्स नेवी एनडीए वाले बच्चों को जो है मैं ट्रेन करता हूँ, पढ़ाता हूँ उनको, और काफ़ी अच्छा मतलब रेस्पॉन्स। राम जी जब एक अच्छी सैलरी हो जब आदमी की, और जब उस टाइम पर वो नौकरी को छोड़ करके इस तरफ प्राइवेट फील्ड में यदि अपना कदम रखता है तो परिवार वालों का कई बार सहयोग नहीं होता, तो परिवार का किस प्रकार का सहयोग और समर्थन मिला आपके इस कार्य के अंदर? सर ऐसा था कि जब मैं इसे छोड़ करके आया, जब मैंने परमानेंटली जिसमें कंपनी में था तो वो कंपनी बहुत अच्छी थी, मैं मैक्सन मरीन सर्विसेज मेरी कंपनी का नाम था, जो मुझे छुट्टी पर छुट्टी के दरमियान भी मुझे सैलरी देती थी, आधी सैलरी। तो जब मैं छोड़ के आया ना तो सबसे बड़ा मेरे लिए था कि एक तो ये था कि स्पेशली मैं सोचता था, क्योंकि माँ बाप बोलते थे कि बेटा आप एक एक साल के लिए घर से चले जाते हो, तो उस टाइम पर मम्मी पापा और मेरे शादीशुदा हूँ तो मेरे बीवी बच्चे भी हैं, तो वो बेचारे बहुत मिस करते थे। एक एक साल बाद आता हूँ तो, और वहाँ से कभी कभी तो हमारी बातचीत भी नहीं हो पाती थी। तो मेरे को ये लगा सर, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि यार जीवन में राम आप सिर्फ पैसे कमाते रह जाओगे, लेकिन जीवन का अपना भी तो सुख होता है ना। बिल्कुल, है ना, अपने फैमिली के साथ घूम रहे हैं। और अब मैंने फिर क्या हुआ कि जब मैं यूट्यूब में आ गया तो ये काम मेरा यूट्यूब से हो गया, क्योंकि जो घर की ज़रूरतें थी वो मैं यूट्यूब से मुझे जो है अर्निंग पेमेंट मिलता है, तो मैं वो जो ज़रूरतें हैं वो मेरी यूट्यूब से चल जाती हैं। तो अभी मम्मी पापा पहले तो नाराज़ थे और उन्होंने कहा आप गलत डिसीजन ले रहे हैं, ये बहुत गलत है, आप ऐसा मत करिएगा। वो यूट्यूब को जानते भी नहीं है, लेकिन उनको ये पता था कि ये नौकरी को छोड़ रहा है, तो ये उनको बहुत बैड लगा था। मैंने ये कहा था कि मम्मी जी आपका जो बेटा है ना, बिल्कुल, ये बहुत मेहनती है, ये आप भी जानते हैं। तो हमारे पिताजी को बड़ा विश्वास था, मम्मी तो आप जानते हैं गांव की हैं, तो बिल्कुल, बिल्कुल। वो बेचारी बहुत जल्दी, और बेटा नौकरी क्यों छोड़ रहा है। और उस दरमियान मेरे को 1,45,000 मेरा सैलरी था, पूरा अच्छा सैलरी था। और जनरली क्या होता है ना, आपके कंपनी पर डिपेंड करता है आप किस पोस्ट पर हैं और कहाँ पर आपकी ड्यूटी है कंपनी वाइज, तो सैलरी तो आप जानते हैं मर्चेंट डीबी में एकदम बहुत सैलरी होती है, काम भी होता है। बिल्कुल, तो मतलब वहाँ से सोर्स ऑफ इनकम मेरा दूसरा हो गया, तो इसलिए ज़्यादा टेंशन उनको हुआ नहीं। अगर मैं घर बैठ जाता तो फिर थोड़ा परेशानी होता। अब बच्चों को मैं यूट्यूब पर पढ़ाता रहता हूँ, आज भी पढ़ाता हूँ,
और सेकंड पब्लिक रिएक्शन राम चौधरी भी है, जिसमें मैं जनरल नॉलेज का बच्चों का टेस्ट लेता रहता हूँ, उनसे बातचीत करता रहता हूँ। तो ये सब मतलब मैं अपनी यूट्यूब की लाइफ में मैं एकदम खुश रहता हूँ। बिल्कुल, मैं अब ज़्यादा नहीं सोचता कि मेरे को पैसा कम मिल रहा है, लेकिन पैसे से ज़्यादा मुझे अपनी आत्मा का सुकून शांति है। बिल्कुल राम भाई, एक प्रश्न पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप खासतौर पर युवाओं के लिए कार्य करते हैं, जिस प्रकार से मैं बताना चाहूँगा कि आजकल के जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर सरकारी नौकरी के पीछे पड़े रहते हैं, वो सोचते हैं कि सरकारी या तो प्राइवेट नहीं करनी, अफसरशाही नौकरी चाहते हैं वो, न कि वो छोटी मोटी नौकरी किसी कंपनी में लग करके अपने घर परिवार को चलाना। वो क्या कहना चाहोगे उनके बारे में, किस तरह का आप कहते हैं ना कि संदेश देना चाहोगे उन युवाओं के लिए? क्योंकि आपका तो मोस्टली जो संदेश होता है छात्रों के लिए होता है, युवाओं के लिए होता है, आप पढ़ाई के लेकर के होता है, क्या कहना चाहेंगे? सर, टू माई माइंड जी, मैं अपने ऐसा मैं सोचता हूँ, यदि आप एक स्टूडेंट हैं और एक सोशल मीडिया अलग प्लेटफॉर्म होता है और एक पढ़ाई लिखाई अलग होता बिल्कुल है। यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो मैं ये मेरा अपना ओपिनियन है कि प्लीज आप यूट्यूब के बारे में ना सोचें। यदि आप कुछ पढ़ना चाहते हैं सरकारी नौकरी, एक और चीज सर, बिल्कुल यूट्यूब से अच्छी सरकारी नौकरी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें आप श्योर नहीं है कब चैनल सस्पेंड हो जाए, कब डिसेबल हो जाए मोनेटाइजेशन, बिल्कुल और कब जा, क्योंकि देखो कोई भी इंसान हो, कोई भी यूट्यूबर है, वो एक उसका टाइम पीरियड होता है, कुछ टाइम में ही वो अच्छा खासा कर पाता है, उसके बाद में फिर डाउन होने लगता है, तो आप डिप्रेशन में आ जाओगे कि मैं पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर पाया, समय निकल गया। तो पहले आप अपनी पढ़ाई को टाइम दें, उसके बाद ये सब बाद में। अगर आप पढ़ाई लिखाई से आपने बिल्कुल ही त्याग पत्र दे दिया है, काम दूसरा नहीं है, आप एक एजुकेशन भी रखते हैं अपने अंदर, तो देन आप यूट्यूब पर आ सकते हैं। लेकिन पढ़ाई भी और यूट्यूब भी मैं इससे सेटिस्फाइड हूं, एक म्यान में दो तलवारें नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। तो लक्ष्य को निर्धारित करके है उनको अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर होना होगा। एब्सोल्युटली, देखिए सर, मैं क्या है ना, अभी मैं यूट्यूब में हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ता रहता हूँ, मैं अपने अदर अच्छी पोस्ट के लिए मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूँ। तो बेसिकली 80% मैं पढ़ाई को टाइम देता हूँ, मैं कभी से भी वीडियो डालता रहता हूँ। अच्छा राम भाई, काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर हैं, लगभग 6-6.5 लाख सब्सक्राइबर हैं आपके, और काफ़ी अच्छे आप लगे रहते हैं सोशल मीडिया पर भी, काफ़ी अच्छे छाए हुए हैं। कहते हैं ना कि एक नेचुरल जो प्रकृति से हमारा जो जुड़ाव होता है, मानसिक रूप से मतलब तनाव मुक्त रहना, किस प्रकार की दिनचर्या होती है आपकी, मतलब सोशल मीडिया से दूर रह करके कैसा आनंद महसूस करते हैं आप? सर बेसिकली, जब से मैं यूट्यूब से जुड़ा हूँ तो मेरी पढ़ाई में बहुत बड़ा यू नो ऑब्स्टिकल आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, बहुत हर्डल्स आ चुकी हैं, मतलब मैं अपनी पढ़ाई को इतना मन तन नहीं दे पाता हूँ। लेकिन अब मैं थोड़ा सा अपने आप को सुधार रहा हूँ, क्योंकि यदि आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए ना और उसमें आपकी प्रोग्रेस हो रही है, दिन दूनी रात चौगनी हो रही है, तो सर आप बहुत या आप एडिक्टेड हो जाएंगे, बहुत मेहनत करना पड़ेगा पढ़ाई के प्रति अपना मन लगाने के लिए। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि देखिए, मैं जैसे अब YouTube को भी मैं टाइम देता हूँ, तो बेसिकली मैं 5-6 दिन में एक पब्लिक रिएक्शन राम चौधरी पर जीके की वीडियो आती है। बिल्कुल, क्योंकि मैंने शॉर्ट कर दिया, पहले तो डेली आता था, मैं पढ़ाई नहीं कर पाता था। इसके साथ ही साथ इंग्लिश की वीडियो होती है 10-15 मिनट का, जो रेगुलर अभी एग्जाम्स आ रहे हैं एयरफोर्स नेवी एनडीए के लिए, तो उनको मैं रेगुलर वीडियो दे देता हूँ, 10 मिनट में फटाक से शूट कर देता हूँ, फटाक से उन बच्चों को जो पढ़ा देता हूँ। बट ये जो वीडियो होता है इनमें टाइम लगता है और थोड़ा सा मेहनत भी होता है, तो ये सब मैं मतलब टाइम थोड़ा सा देना पड़ता है यूट्यूब को, और ज़्यादातर मैं अपना टाइम मैं अपनी पढ़ाई के लिए देता हूँ। बिल्कुल, चलिए राम भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड मीडिया से बात करने के लिए। क्या संदेश आप हमारे ग्राउंड मीडिया के दर्शकों को देना चाहेंगे कि युवा होने के नाते, और युवा एक देश की रीढ़ की हड्डी होता है, उसको लेकर के आप युवा निर्माण राष्ट्र निर्माण को लेकर क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे सर युवाओं? सर मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपके यदि पढ़ाई के प्रति आपकी इच्छा है, तो यार प्लीज ना, ये YouTube है, TikTok है, इन सब से आप दूर रहो। बिल्कुल, है ना, वो ये मेरा अपना ओपिनियन है। बिल्कुल, आप दूर रहेंगे तो आप सेफ हैं, है ना। और कहते ना सर, जिस इंसान को अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है ना, बिल्कुल, बिल्कुल, तो वो ऑटोमेटिक दूर हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, आप पढ़ाई को टाइम ज़्यादा देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, लेकिन अगर आप एक बार YouTube में आ गए और प्रोग्रेस स्टार्ट होगी आपकी, तो फिर आप अपने आप को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा पढ़ाई के प्रति क्षेत्र में लाने के लिए। बिल्कुल, तो पढ़ाई कंटिन्यू रखें और बहुत अच्छा जा सकता है, कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी एग्जाम डिफिकल्ट नहीं होता, बट यदि आप पढ़ते हैं यूट्यूब से पढ़ते हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स हैं, तो आप घर बैठे और अच्छे अच्छे गवर्नमेंट एग्जाम्स को पास कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राम भाई। तो ये थे हमारे साथ रिएक्शन पब्लिक से राम चौधरी, हमारे बड़े भाई उत्तर प्रदेश से, आज स्पेशली मुलाकात करनी थी हमने, बातचीत करनी थी। तो इसी प्रकार से ग्राउंड राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।